राजधानी दिल्ली में महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए खुद तैयार हो सकेगी। इसलिए जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएं, ताकि महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए किसी का इंतजार ना करना पड़े। ये बातें कही न्यायाधीश अभिषेक कुमार ने। दरअसल दिल्ली के सुल्तानपुरी में दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण उत्तर पश्चिम जिला द्वारा टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और DAV एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से 10 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके समापन समारोह में दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण उत्तर पश्चिम जिला के सचिव और न्यायाधीश अभिषेक कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए थे। इस शिविर में कुशल शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण देकर महिलाओं को अप्रिय स्थिति में सामना करना सिखाया गया। महिलाओं और छात्राओं को पेन, पेंसिल, किताब, दुपट्टा और हाथ का इस्तेमाल कर आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। साथ ही अप्रिय परिस्थितियों में किस प्रकार सामना करना है, इसके लिए छात्राओं और महिलाओं को 10 दिवसीय ट्रेनिंग के माध्यम से तैयार किया गया। हर 6 महीने में हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें रोड सेफ्टी और सेल्फ डिफेंस। पर्पस ये था कि लड़कियों में कॉन्फिडेंस लेवल, जिस एरिया में जहाँ यहाँ है जेजे क्लस्टर है और जिस तरह की समस्याएं आती हैं लड़कियों को स्कूल जाने में या घर से अकेले जाने में, तो उन समस्याओं को देखते हुए हमने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराने का अपना उद्देश्य बनाया और उनको रेगुलर ये ट्रेनिंग हम करवाते हैं, जिससे इनमें एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और अपनी सुरक्षा का जिम्मेवारी ये खुद ले सकती है, ना कि किसी पे आश्रित। कार्यक्रम के दौरान न्यायाधीश अभिषेक कुमार ने कहा कि महिलाओं को आत्मरक्षा के साथ साथ महिला के अधिकार एवं कानूनी जानकारी होनी भी जरूरी है। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि DLSA महिलाओं को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि संस्था का प्रयास तभी सफल होगा जब प्रत्येक महिला अपने क्षेत्र में कम से कम 10 महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाए और अन्य महिलाओं को महिलाओं के अधिकार के बारे में जानकारी दे, साथ ही अपनी तरह अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण दे, जिससे वे भी अप्रिय परिस्थितियों का सामना कर सके और अपनी आत्मरक्षा कर सके। जब भी हम बात करते हैं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैं क्या करूँ, मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया, मैं बस में जा रही थी, उसने मुझे छेड़ दिया या फिर उसने मुझे मोलेस्ट कर दिया, तो हम वेट करते हैं, हमेशा हमारे माइंड में रहता है कि कोई आएगा जो हमारी मदद करेगा। बट मैं चाहता हूँ कि हम समाज में जो हमारी महिलाएँ हैं, लड़कियाँ, उनको इतना हम उनको एम्पावर्ड कर दें कि उनको किसी का वेट ही ना करना पड़े। दे शुड डिफेंड देमसेल्व्स। तो कहने का मतलब यही था कि अपनी सुरक्षा अपने मन में रखो कि मेरी सुरक्षा जो है मुझे खुद करनी है, ताकि मुझे किसी का वेट ना करना पड़े। कार्यक्रम में हमने आज से 15 दिन पहले हमने इसके बारे में बातचीत की थी NGO DAV एजुकेशन सोसाइटी के साथ। तो हमारा यही मुख्य उद्देश्य था कि कैसे जो हमारे समाज की जो औरतें हैं, जो महिलाएँ हैं, उनको कैसे हम और उनका सशक्तिकरण करें, क्योंकि आज का टाइम जो है, हमें पता है कि राइजिंग क्राइम जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन्हें इतना सेल्फ मोटिवेट करें कि कभी भी उनके ऊपर कोई आपदा आती है या फिर कोई वो दिक्कत में पड़ जाती है, तो दे कैन डिफेंड देमसेल्फ विदाउट वेटिंग फॉर एनी अदर पर्सन। तो उसी मोटिव के साथ हमारे बच्चों को और हमारी महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए हमने ये दिल्ली पुलिस के साथ जो स्पेशल यूनिट है उनके साथ हमने 10 दिन का ये प्रोग्राम चलाया सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का। हमें सबसे बहुत जरूरी है कि हर जगह पुलिस भी पहुँच सकती है आपके लिए। आपको खुद अपने काम खुद एकदम मजबूत होना पड़ेगा कि कोई आपको अगर तंग करता है कुछ करता है, तो खुद सेफ्टी आप जरूरी है मेन आप। इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा, हर एक लड़की इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वो खुद जवाब दे सके। हम करीब 10 लाख से ज़्यादा जिन दे चुके हैं दिल्ली पुलिस को, पब्लिक को, उस समय दिल्ली में लड़की काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी हैं, वो जवाब दे सकती हैं। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए 10 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। इस आत्मरक्षा शिविर में छात्राओं और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं और छात्राओं को किसी भी अप्रिय परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। इस अवसर पर ट्रेनिंग ले रहे सभी छात्रों और महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन TV।